Hello, assalamu alaikum. How are you doing, everyone? Hope so you are good and well. So day 24 has passed. 24 days has passed and 733 patients in Pakistan multiplied by 10, that's another figure. Our first doctor died, may Allah bless him, Dr. Osama. He was treating the patients of COVID-19. Well, let's compare Italy and Pakistan. Italy had 229 or 229 cases on 24 days. 24 when after the discovery of first case. पहले केस के बाद उनके पास आ रहे हैं जी 24th day को उनके पास हैं 239 cases. पाकिस्तान में पहला केस 26 February को आ रहा है और अभी there are 733 cases reported. ठीक है, multiply by 10 वाला figure तो अलग कर देना आप, इतने cases आप कर लें तो आप यू नीड टू नो कि आगे क्या होने वाला है. मतलब इसको सीरियस लेना चाहिए. एंड आई एम गुड कि गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग, मतलब लॉकडाउन कर रहे हैं. ठीक है, दैट्स नाइस कि मतलब सिंध में उन्होंने करना शुरू किया, 3 दिन का मेरे ख्याल में कहा है उन्होंने. अभी मतलब इस्लामाबाद में भी जिस तरह 144 लग गई, लाहौर में भी 144 लग गई. करना पड़ेगा ये सब कुछ. भूख से कोई नहीं मरेगा, बीमारी से जरूर मर जाएंगे. और यंग लोग जो इसको बहुत लाइट ले रहे हैं, दे नीड टू टेक इट सीरियसली. बिकॉज वो जब वो इन्फेक्ट होगा, वो जो घर जाएगा तो घर में अपने सब बंदों को इन्फेक्ट करेगा. माइट भी उसके सिम्टम्स माइल्ड हों, उसको कुछ भी ना हो, ठीक है, लेकिन वो दूसरी दुनिया को तो करा देगा ना यार, बाकी सबको तो करा देगा. कोई घर में एक बूढ़ा होगा आपके, ठीक है, बाकी सब ठीक है, एक बूढ़ा बंदा उसको हॉस्पिटल की जरूरत आएगी. वो जब आप बार बार वो बूढ़े जाते जाएंगे हॉस्पिटल में तो बर्डन बनता जाएगा, तो वो कर्व उस टाइम ऊपर जाएगा. अभी भी वेव जो है हमारी ऊपर जा रही है, ठीक है, हमने इसे किसी तरह स्लो करना है. सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी नेसेसरी मैन. 3S मेरा मानना है, 3S पॉलिसी सबसे बेस्ट रहेगी. स्टे होम, स्टे सेव लाइव्स, सेव द हेल्थ रिसोर्सेज इन द सिस्टम, ताकि वो उसको जो बहुत डायर नीड में हो उसको जरूरत मिले हॉस्पिटल की, वो हॉस्पिटल जाए. अगर सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो ये सब कुछ हो सकता है वहां से. मतलब हमें सीखना चाहिए ना दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. इटली की सूरत हाल हमारे सामने, मोर देन 4825 डेथ्स. सीरियसली दैट्स रियली वेरी सैड. अभी मतलब पाकिस्तान की कुछ वीडियोज आना शुरू हो रही हैं जिसमें COVID-19 के पेशेंट्स हैं, मतलब जिनको ब्रीदिंग वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है. मतलब दैट्स रियली वेरी बैड. अच्छा, दूसरा ये है कि वो जो मैंने बात की थी कि डेथ रेट जो है वो इतना होता है कि जितने क्या नाम है उसको आप 20 से मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली, क्योंकि सारे रिपोर्ट नहीं हो रहे होते हैं. जो पहला पहली डेथ थी जिसको इन्होंने बाद में करनी, जो COVID-19 की नहीं थी, लिवर फेलियर की थी. दैट्स मल्टीपल ऑर्गन फेलियर इन कोरोना वायरस, दैट्स द थिंग. ऑर्गन्स ही फेल करेंगी ना, वो भी वही था, ये माने ना माने जिस तरह मर्जी. इसीलिए WHO जो एपिडेमिक और क्या नाम है वायरोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा था उसको आप 20 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 20 इज इक्वल टू 60. 60 पीपल मस्ट हैव बीन डाइड. वो अलग बात है, वही दोबारा कि 3 से 4 हफ्ते हम लोग फैल चुका हुआ है हमारे मुल्क में. अब ये नहीं है, अब ये है कि हाँ भाई है सबको, अब सिर्फ टेस्टिंग से पता चलना है. अपने प्यारों को बचाना है यार हमने, वो जरूरी है. आप इटली की फिगर्स देखें ना, इटली की अभी है 53,578 पेशेंट्स हैं और 4,825 डेथ्स हो चुकी हुई हैं. स्पेन में 25,374 पेशेंट्स और 1,378 डेथ्स. जर्मनी में 24,089 डेथ्स. अमेरिका में 2,500 पेशेंट्स और 291 डेथ्स. ईरान में, ईरान की सिचुएशन किसी को भी सही नहीं पता, क्या ईरान में चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है. पाकिस्तान 733/3, रियली दैट्स बैड. अच्छा, जिन मुल्कों ने इसको कंट्रोल किया है ना, मतलब थोड़ा स्लो डाउन किया है, चाइना मॉडल तो बेस्ट है ना, सब कुछ लॉकडाउन कर दो, ठीक है, दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी वी एवर हैव. एवरीवन इन द वर्ल्ड हैव दिस, दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी. चाइना स्ट्रेटजी के अलावा कुछ भी नहीं हमारे पास. साउथ कोरिया और ताइवान ने जैसा कंट्रोल किया, उधर बहुत मिनिमम रेशियो है और उन्होंने कंट्रोल किया है. टेस्टिंग है, टेस्ट करो, वी नीड टेस्ट. WHO कह रही है टेस्ट करो, हर हाल में करो. टेस्ट है, ट्रैकिंग है, ट्रेसिंग है, ट्रेस करो कहाँ कहाँ पे केसेस निकल रहे हैं, उन लोगों को आइसोलेट करना शुरू करो, ठीक है, आइसोलेट करो, क्वारंटाइन करो, ठीक है. मतलब ये है स्ट्रेटजीज, हमें ये इनके ऊपर चलना है. जू जू केसेस बढ़ेंगे CFR हमारी बढ़ती जाएगी. CFR मीन्स केस फर्टिलिटी रेट, उतनी डेथ्स बढ़ती जाएंगी. लॉट ऑफ पीपल आर गोना डाई, तो हु डोंट हैव टू डाई, दैट्स द थिंग. हमारी गलतियों की वजह से दूसरे लोग को नहीं मरना चाहिए. हम यंग लोग जो हैं, मतलब मैं तो नहीं वैसे कंसिडर करता अपने आप को यंग,
बट स्टिल मतलब जो यंग है, जो बाहर घूमते फिरते हैं, जिनको बिलीव नहीं है, जो बाहर मार्केट जाओगे, आपको जरूरी नहीं है काउंटर के ऊपर हाथ रखो, मतलब अभी तो आपको ये है कि इनिशियली है ठीक है, इसमें बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। वी नीड टू पुट आवर शूज आउटसाइड, बाहर से आओ, शूज अपने बाहर रखो भाई, आओ कपड़े उतारो, वॉशिंग में डालो उसे और खुद नहाओ ठीक है, विदाउट इवन टचिंग एनी वन एल्स। मतलब घर में आपके प्यारे हैं यार, उनको बचाना है हमने, वी नीड टू सेव देम। मैसिव लॉकडाउन होना चाहिए, मैसिव मैसिव। फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है ठीक है, एट द एंड लाइफ स्टाइल चेंज होने वाला है, वी नीड टू चेंज योर लाइफ स्टाइल्स, दैट्स वेरी नेसेसरी। लाइफ स्टाइल चेंज किए बगैर इस चीज को काबू करना नामुमकिन है, हम जैसे कंट्रीज में बहुत मुश्किल है। तो मतलब बात वही है, भूख से कोई नहीं मरेगा, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बहुत जरूरी है, अगर ये करेंगे तो बचत होगी। मतलब दैट्स रियली वेरी सैड एंड हार्ट ब्रेकिंग के इटली और पाकिस्तान का आप 24 दिनों का कंपेरिजन करो तो क्या हाल बन रहा है ठीक है। मेक द टेस्ट, बिकॉज हमारा एनिमल, जो हमारा एनिमी है उसको विजिबल करना हमने, वी नीड टू मेक अवर एनिमी विजिबल, दैट्स ओनली कैन बी डन बाय टेस्टिंग। ओके, कुछ चीजें इसको अवॉइड कैसे करना है वो भी मैं बता दूँ ठीक है। और सबसे पहले HCQ, हाइड्रोक्लोरोक्विन और रोसीचेन वगैरह, दीज आर नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ दिस। ट्रम्प इज अ फूल ठीक है, उसने कह दिया और लोग उसके पीछे भागना शुरू हो गए, और उसी टाइम उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके पीछे साथ जो उनका क्या नाम है इन्फेक्शन डिजीज का हेड है डॉक्टर फूची, पता नहीं क्या नाम है उसका, ही वॉज सेइंग कि मिस्टर प्रेसिडेंट काइंडली डोंट से द वर्ड्स वी डोंट नो ठीक है, वो मतलब वो ये कह रहे हैं। और आप लोग इधर पाकिस्तान में खरीदना शुरू किया, प्लीज बाय सेंसिबली, क्योंकि आपके सब खरीदने की वजह से जो आपने एक दिन में यूज नहीं करना वो किसी और को नहीं मिलेगा, शॉर्टेज पैदा होगी और हाई डिमांड होगी तो प्राइसेस बढ़ेंगी। तो मेहरबानी करो जिस बंदे को, मतलब आपको कितनी चीजें चाहिए यार खाने के लिए, थोड़ी चाहिए ना, तो रूटीन में थोड़ा थोड़ा करके लो ना ताकि सबको मिले, बजाय इसके कि बाकियों को ना मिले आपको सब कुछ मिल जाए। सब कुछ एक दिन में तो नहीं खाना ना हमने, ये चीज है। बाय सेंसिबली मेडिसिन की शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी, हर चीज हो जाएगी। आई हैव द फार्मेसी एंड क्लिनिक पीपल बाइंग क्वांटिटी ऑफ पैनाडोल पैरासिटामोल, आई एम सेइंग दैट प्लीज अवॉइड बाइंग मोर देन टू स्ट्रिप्स ऑफ पैनाडोल, दैट्स मोर देन इनफ। इफ यू नीड एनीथिंग एल्स वी विल प्रोवाइड यू, सब कुछ मिलेगा यार, लेकिन थोड़ा सा तो हौसला रखो ना। ये तो नहीं है कि आप सब कुछ खरीद लो, मतलब सब कुछ खरीद लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो चीजें आपने इस्तेमाल भी नहीं करनी। रोसिजन यू आर नॉट गोना नीड इट, और आप कह रहे हो कि हाँ जी हम ये करने लगे हैं। मतलब ट्रम्प इज अ फूल। चाइना में ये क्लोराकिन की बात चलना शुरू हुई थी तो उस टाइम मैंने कहा था वो सिर्फ फीवर नीचे करने में काम दिया, उसने और कुछ भी नहीं किया उसने, दैट्स नॉट द क्योर, यू डोंट हैव टू बाय इट, प्लीज अवॉइड बाइंग इट। और अब तो कोई फार्मेसी वाला वापस भी ना ले, क्योंकि आप लोग बेवकूफों की तरह ले रहे हैं। सो अब दूसरा ये कि एनसेड्स को अवॉइड करें, आइब्रूफेन को अवॉइड करें, कॉर्टिसोइड्स को अवॉइड करें ठीक है, बिकॉज दे इन्फ्लेमेटेड ठीक है। और अगर कोई कहता है नहीं मत, आप मानना ना मानना आपकी मर्जी है ठीक है। मैं ये वो फ्रेंच डॉक्टर्स जो कह रहे हैं, जो वायरोलॉजिस्ट कह रहे हैं, मैं वो बता रहा हूँ आपको कि ये बढ़ा देगा उसको। 4 हफ्ते हम लोग लेट हैं भैया, 4 हफ्ते लौटे, लेकिन स्टिल जो गुजर गया वो गुजर गया हुआ, उसके ऊपर नहीं आप बात कर सकते। गुड है, लॉकडाउन होना शुरू हो रहा है, लोग खुद भी थोड़ा सा समझ रहे हैं इस चीज का। और टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, देयर इज नो अदर थिंग वी कैन डू इट। और स्क्रीनिंग नहीं, मतलब हमारी गवर्नमेंट स्क्रीनिंग करती नहीं, और बताती नहीं हमने 9 लाख बंदे का किया, 9 लाख बंदे का स्क्रीनिंग का कोई फायदा नहीं है जब तक टेस्टिंग हुआ। हमारे मुल्क में वायरस है और फैल चुका हुआ है, वी नीड टू नाउ कंट्रोल इट, वो टेस्टिंग के बगैर नहीं होगा। टेस्टिंग पता चलेगी तो ही कंट्रोल कर सकते हो ना आप, सोशल डिस्टेंसिंग वो तो करनी ही करनी है ना आपने। और गवर्नमेंट को चाहिए हमें सच बताएं यार, मतलब सच बताना जरूरी है, वी नीड टू नो द ट्रुथ। केसेस आप देखो, केसेस आपके पूरे पाकिस्तान में जंप कर रहे हैं, एजेके में भी है ठीक है, सिंध में भी है, पंजाब में भी है, साउथ पंजाब में भी है, इंटीरियर पंजाब में भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है, कोरम एजेंसी वगैरह ऊपर जो है चलास वगैरह, उन एरियाज का हमें पता ही नहीं है अभी सही इतना। सो हर जगह से पॉप अप कर रहे हैं केसेस, तो दैट मीन्स इट्स ऑल ओवर पाकिस्तान, सिर्फ इतनी बात जहन में रख लें। तो मतलब खुद बचाना है अपने अपने प्यारों को, किसी और ने नहीं बचाना। डॉक्टर्स को चीजें देनी चाहिए, मतलब आई वॉन्टेड टू गिव मास्क वगैरह ठीक है, तो मैंने बात भी की थी, लेकिन दे आर डम पीपल मैन, मतलब कोई नहीं करना चाहता। गार्ड्स वगैरह उस दिन ही मैंने बंद कर दिया ना मास्क वगैरह, क्योंकि दे डोंट वेयर, उससे बेहतर है मैं हॉस्पिटल में जाके, मतलब इधर से खरीदो, खरीद के जाके उधर हॉस्पिटल में दे दो,
मतलब या खुद बांट दो या दे दो तो ज्यादा बेहतर है कि कम से कम हॉस्पिटल में लोग तो पहने ना, ताकि एक से दूसरे को ना लगे। प्लीज डोंट क्राउड द हॉस्पिटल्स, यू नीड टू सेव अवर रिसोर्सेज मैन, यू नीड टू स्टे एट होम, सेव लाइव्स एंड सेव द रिसोर्सेज। हमारे पास वैसे भी इतनी रिसोर्सेज नहीं है, तो मतलब इमेजिनेशन करो ना आपकी, कहाँ से कहाँ पे चीज जाएगी। अब मैं बात करना चाहता हूँ, पहला केस आया था कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जाफरी जो था, मिर्जा, आई डोंट नो व्हाट वाज हिज फुल नेम, जाफरी, 26 फरवरी को। अब वो कराची यूनिवर्सिटी का था, आई डोंट नो वो यूनिवर्सिटी गया कि नहीं गया, बट कराची यूनिवर्सिटी का मतलब ये, अगर वो यूनिवर्सिटी में गया तो यूनिवर्सिटी में जितने लोग उसके कॉन्टेक्ट में, क्या पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का टेस्ट होना चाहिए? दैट्स द पॉइंट। क्योंकि अगर एक बंदा भी, एक बंदा भी 10 बंदों को इन्फेक्ट कर रहा है, तो आप इमेजिन करो वो कितनी स्पीड में फैला होगा। फिगर्स आपको खुद पता चलेंगी कि कितनी है, लेकिन वो सिर्फ टेस्टिंग से पता चलना है, वैसे नहीं पता चलना, सिर्फ टेस्टिंग। अदरवाइज वी कांट डू एनीथिंग, विदाउट टेस्ट वी कांट डू एनीथिंग। वी नीड टू अवॉइड द वायरस, हाउ आर वी गोना डू दैट? हमें पब्लिक वॉशरूम यूज करते हुए एक्सट्रीम केयर करनी चाहिए, ठीक है, वी डोंट नो किस चीज को किसने हाथ लगाया, मतलब हमें पता ही नहीं है। थोड़े दिनों तक कैश के ऊपर भी हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कैश की डीलिंग जो है वो तंग करेगी हमें, कार्डलेस हो जाएंगे, वी विल बी कैशलेस इन द फ्यूचर ऑल्सो, मतलब वी नीड टू चेंज योर लाइफ स्टाइल, हमें सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। अवॉइड कॉन्टेक्ट विद आईज, मतलब आंख पे हाथ लगाने से पहले बेहतर है, या मुंह पे नाक पे हाथ लगाने से पहले अपने हाथ हैंड वॉश कर लें आप लोग, वो करेंगे तो उसके बाद आएंगे फिर भी चांसेस कम होंगे, क्योंकि आंख नाक और मुंह इधर से जाना है उसने अंदर वायरस ने, ठीक है। हाथ गंदे हो गए, लगाया, कैच इट केल इट बिन इट, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, टिश्यूज वगैरह यूज करें तो प्रॉपर उसको बिन आउट करें, हैंड वॉश करें, क्योंकि आपको कहीं पे भी हाथ लगेगा वो चीज फैल जाएगी। डोर नॉब्स अपनी डिसइनफेक्ट करें, ठीक है, थोड़ा सा स्प्रिट मिला लो यार, डिसइनफेक्ट करना शुरू कर लो, कोई बड़ी साइंस नहीं है, स्प्रिट भी आई डोंट नो यू विल गेट इट नो नॉट, ठीक है। शूज अपने बाहर उतारो, वी डोंट नीड टू टेक और स्ट्रीट शूज इन द होम, वो हमें बाहर ही उतारने हैं, ये ध्यान में रखें आप लोग, ठीक है। गाड़ी वगैरह डिसइनफेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि एक से दूसरे को चलते चलते चेन चलती जाएगी, हमने इस चेन को तोड़ना है, वो सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से हो सकता है, ताकि इसकी स्पीड स्लो हो, कर्व फ्लैट हो, जितना कर्व फ्लैट होगा उतना हम लोगों को फायदा है, वरना हम सबका बहुत नुकसान होने वाला है, मतलब रियली दैट्स द केस। अवॉइड कैश, ठीक है, डो नोब्स, अवॉइड टचिंग आईज नोज, डिस इनफेक्ट जिस जिस जगह पे काम कर रहे, जिस हम लोग फार्मेसी वगैरह हम लोग बार बार उसको डिसइनफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम नहीं पता था कि हमारी वजह से लोगों को ना लगे और लोगों को हमारी, मतलब लोगों की वजह से हमें ना लगे। हेल्दी फूड, वी नीड हेल्दी फूड, न्यूट्रिशंस हो, अवॉइड शुगर हो, ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अवॉइड टिन, मतलब ये चीजें जो सेहतमंद चीजें हैं वो खाएंगे तो बेहतर होगा। अवॉइड शुगर ऑल्सो मैन, वी डोंट नीड टू हैव टेक लॉट ऑफ शुगर, वैसे भी बहुत ज्यादा बीमारियां पैदा करता है। वार्म रहे, जिस तरह मौसम चेंज हो गया, बारिश हो रही है, हमें वार्म रहने की जरूरत है, ताकि नोज वगैरह को हमारे ठंड ना लगे। मास्क के फ्रंट पे टच नहीं करना, हमने मास्क बाहर ही घर से उतारना, घर के अंदर नहीं लेके आना, बाहर के जर्म्स अंदर नहीं आने चाहिए, ये ध्यान में रखें आप लोग। शॉप सेंसिबली, अगेन आई एम सेइंग, प्लीज डोंट बाय एवरीथिंग व्हेन यू आर इन पैनिक, मतलब दुकानदार भी बेचारा खुशी खुशी में बेच रहा था, चलो बिक रहे हैं, कल को बिके ना बिके सब कुछ बिक जाएगा, निजाम अल्लाह ने चलाना है वो चलेगा, वो नहीं रुकता, भूख से कोई नहीं मरने वाला इस मुल्क में, अल्लाह ताला करम करेगा, लोग हेल्प आउट करेंगे ना यार, मतलब मैं अगर मैं एक मतलब छोटा सा आदमी हूँ कि मैं तैयार हूँ यार, ठीक है, मैं मास्क प्रोवाइड करूंगा, तो कोई ना कोई बंदा खाना प्रोवाइड करेगा, सब कुछ करेगा, सिस्टम निज़ाम यूं चलेगा, और यूं करना पड़ेगा, मतलब अल्लाह बचाए जो भी है, हमें अपने घरों को साफ रखना है, घरों में वायरस नहीं पहुंचाना, ये जहन में रखें, हमारे घरों को सेफ रहना चाहिए। कैच इट किल इट बिन इट, दैट्स द थिंग, बाकी अल्लाह करम करेगा यार। और मतलब दोस्त जो सखर में किया उन लोगों ने, क्वारंटाइन वालों ने, मतलब उनको खाना वो बगैर सूट्स के किस तरह पकड़ाने देते वो लोग, एक बंदा इन्फेक्ट है वो बाकियों को करता जाएगा, प्लीज बी सेंसिबल, आपको नहीं पता चलेगा कितने लोगों का क्या हाल होने वाला है। 6.6 मिलियन, मेरा अंदाजा जो है 5% अगर हेल्थ सिस्टम हमारा काम करता तो 6.6 पीपल विल बी नीडिंग आईसीयूज, ठीक है, ये भी मैं यूके मॉडल के हिसाब से बता रहा था, ये फिगर्स जो है पाकिस्तान का, तो आई डोंट नो क्या रेशियोज होंगी, मतलब 8% है या 9% है, लेकिन कम से कम भी करते जाओ उसको, तो मतलब 66 लाख को भी आप कम कर दो, मैं कहता हूँ वो भी कम कर दो, 1 लाख बंदा भी हो, 1 लाख बंदा भी जिसको हॉस्पिटल की जरूरत पड़े तो हु विल डू इट, कैसे होगा ये, सिर्फ ये ख्याल करना आपने, बाकी थैंक यू, अल्लाह खैर रखेगा।
वॉश योर हैंड्स, बी सेफ, बी नाइस एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।